तो कल की डेट में कौन से डिवाइस को Mi Watch 12 अपडेट्स देखने के मिले, इंडिया में कौन से डिवाइस को देखने के मिले, Mi Watch 12.5 स्टेबल अपडेट के बारे में बात करेंगे, कौन से डिवाइस को देखने के लिए मिला है, साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एंड्रॉइड 11 अपडेट के बारे में, साथ ही यहाँ पर Mi Y Alpha लॉन्च का एक और न्यू अपडेट आ चुका है उसके बारे में बात करेंगे, और भी गाइस यहाँ पर सिस्टम एप्स अपडेट देखने के लिए मिले काफी सारे उसके बारे में भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहला डिवाइस है जिसके लिए Mi Watch 12 अपडेट रोल आउट किया गया था, तो यहाँ पर Redmi 7A के लिए चाइना में Mi Watch 12.0.3.0 का अपडेट देखने के मिला, Android 10 अपडेट मिलता है। इंडिया में गाइस यहाँ पर परसों के दिन ही इसको रिलीज किया गया था Redmi 7A के लिए इंडिया के लिए, जो कि सेकंड अपडेट था, बस यहाँ पर चाइना में न्यू बिल्ड नंबर के साथ सेकंड अपडेट देखने के लिए मिलता है। दूसरा डिवाइस गाइस यहाँ पर Redmi 8A के लिए इंडोनेशिया में भी कल फाइनली Mi Watch 12.0.2.0 का Android 10 अपडेट के साथ न्यू अपडेट रोल आउट किया गया, इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है, जिनको नहीं मिला आने वाले समय में को आने वाले 5 या 6 दिन में फिर से रिलीज हो जाएगा। वैसे गाइस यहां पर आप लोग बता दूं, अगर आपके पास Redmi 8 सीरीज का कोई भी डिवाइस है, यहां पर Redmi 8A ड्यूअल का डिवाइस है, अभी तक कोई भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिला सेकंड अपडेट, तो कब तक मिलेगा उसके ऊपर मैंने कल ही आपको वीडियो के जरिए बता दिया, आप लोग को आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, आप लोग एक बार जाकर जरूर देख लेना। साथ ही गाइस यहां पर अगर मैं बात करूं Redmi 8 और 8A के बारे में, तो यहां पर इस नए अपडेट में आपको क्या नया मिलता है, कौन से बग्स देखने के मिलते हैं, क्या क्या फिक्स हुआ है, उसके बारे में मैंने रिव्यू का वीडियो भी कल आप लोगों के लिए बना दिया, वो वीडियो भी आपको आई बटन में ही देखने के मिल जाएगी, एक बार जरूर जाकर देख लेना। नेक्स्ट डिवाइस गाइस यहां पर Redmi K40 चाइना के लिए Mi Watch 12.0.8.0 का अपडेट मिला है, यहां पर Android 11 अपडेट प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट गाइस यहां पर देखने को मिलता है Mi 10 यूरोप के लिए Mi Watch 12.2.7.0 का एक न्यू अपडेट प्रोवाइड किया गया, यहां पर भी Android 11 का ही अपडेट देखने के लिए मिलता है। वैसे आप लोगों को बता दूं Mi 10 सीरीज के लिए बहुत ही जल्द Mi Watch 12.5 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है, यहां पर ग्लोबल में भी अप्रैल के एंड तक ये अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट डिवाइस गाइस यहां पर Redmi 8 के लिए है, चाइना में भी Mi 12.0.2.0 का फाइनली सेकंड अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया, यहां पर Android 10 अपडेट मिलता है। वैसे यहां पर Redmi 8 के लिए, Redmi 8 सीरीज के लिए तो इंडिया में सेकंड अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया, सिर्फ Redmi 8 ड्यूअल बाकी है, उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। अब गाइस यहां पर हम बात करेंगे न्यू सिस्टम अपडेट के बारे में, तो गाइस यहां पर पहला अपडेट देखने के लिए सिक्योरिटी का कल फाइनली एक न्यू अपडेट आ चुका है, लेटेस्ट बिल्ड नंबर है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देखने के लिए मिलता है। सिंपली ये अपडेट आपको कहां पर मिलेगा, आपको अपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर सिस्टम एप्स अपडेट में जाना है, वहां पर ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर Mi Xiaomi का क्लाउड का भी एक न्यू अपडेट देखने के मिलता है, यहां पर ये अपडेट मुझे अपने Poco X3 के डिवाइस में भी देखने के लिए मिला है। अगर आपके पास Redmi सीरीज का डिवाइस है, Redmi Note सीरीज का डिवाइस है, तो एक बार आप लोग जाकर जरूर चेक कर लेना, आपके डिवाइस में भी अपडेट देखने के लिए मिला होगा। साथ ही गाइस यहां पर Note का भी एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला है, Mi Watch 12.5 के न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, यहां पर इसकी APK मैंने अपने Telegram चैनल पर शेयर कर दी, अगर आप लोग चाहे तो वहां से अपडेट कर सकते हो APK इंस्टॉल करके। वैसे गाइस यहां पर अगर आप लोगों ने Telegram चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जरूर ज्वाइन करके रख लेना फ्यूचर में सभी अपडेट्स और उसकी लिंक्स के लिए। गाइस यहां पर कल एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला जो कि अल्फा लॉन्चर का, जी हां गाइस यहां पर लेटेस्ट न्यू Mi Y अल्फा लॉन्चर का एक न्यू बिल्ड नंबर के साथ अपडेट रोल आउट किया गया था, इसकी APK मैंने अपने Telegram चैनल पर शेयर कर दी, इसमें नया क्या देखने के लिए मिलता है, तो गाइस यहां पर अगर मैं बात करूं काफी सारे ऑप्टिमाइजेशन देखने के लिए मिलेंगे, काफी सारे सिस्टम लैग वगैरह वो उसको फिक्स किया गया, साथ ही गाइस यहां पर फिक्स नेविगेशन बार एंड सर्च बॉक्स ओवरलैप, यहां पर नेविगेशन बार में भी कुछ अगर आप लोगों को इशू देखने के लिए मिलता होगा तो उसको भी यहां पर फिक्स कर दिया गया। साथ ही गाइस यहां पर मल्टीटास्किंग में अगर आप लोगों को इशू देखने के लिए मिलता तो उसको भी यहां पर ऑप्टिमाइज किया गया। साथ ही गाइस यहां पर स्प्लिट स्क्रीन में भी अगर कोई बग मिलता तो उसको भी यहां पर फिक्स किया गया, तो गाइस यहां पर ऑप्टिमाइज किया गया इस अल्फा लॉन्चर को, तो यहां पर इसकी APK मैंने शेयर कर दी अपने Telegram चैनल पर, वहां पर जाके आप लोग चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हो। अब गाइस यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं Mi Watch 12.5 स्टेबल अपडेट के बारे में, जो कि गाइस यहां पर EU ROM की तरफ से, जी हां गाइस यहां पर आप लोग बता दूं Mi Watch 12.5 स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट नाउ, यहां पर ये EU ROMs यानी कि Xiaomi EU ROMs की तरफ से डेवलप किए जाते हैं, और यहां पर ये काफी सारे डिवाइसों के लिए देखने के लिए मिला है। वैसे गाइस यहां पर डायरेक्ट Mi Y ROMs की अगर मैं बात करूं जो कि Xiaomi के Mi Watch 12.5 अपडेट काफी सारे डिवाइसों के लिए स्टेबल अपडेट तो मिलना स्टार्ट हो गए, लेकिन गाइस यहां पर आप लोगों को पता होगा EU ROM करके भी काफी सारे डेवलपमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहां पर भी Mi Watch 12.5 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया। अब उनमें कौन से डिवाइस है उसके बारे में आपको यहां पर बता देता हूं। तो गाइस यहां पर Mi Watch 12.5 स्टेबल अपडेट जो कि EU ROM की तरफ से यहां पर Mi 10 की सीरीज में देखने के लिए मिला, यहां पर स्टेबल अपडेट है Mi Watch 12.5 3.0 के लेटेस्ट अपडेट के साथ Android 11 अपडेट मिलता है, यहां पर Mi 10 Pro हो गया, Mi 10 Ultra हो गया, साथ ही गाइस यहां पर Mi 10 का डिवाइस हो गया 11, Mi 9 SE का डिवाइस हो गया, तो इनके लिए यहां पर EU ROMs के स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिले हैं जो कि Mi Watch 12.5 बेस है। गाइस यहां पर हम लोग बात करें Mi Watch 12.5 अपडेट काफी ज्यादा फ्लॉन्सी एंड स्टेबिलिटी होने वाला है इस ईयर में, किस हिसाब से होगा वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, क्योंकि यहां पर कंट्रोल सेंटर है, सुपर वॉलपेपर लैग टू बी फिक्स सून एज पर R&D हेड, तो यहां पर गाइस आप लोग बता दूं
कि आने वाले समय में कंट्रोल सेंटर में इसको चेंजेस किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है कंट्रोल सेंटर में। क्योंकि यहाँ पर आप लोग बताओ काफ़ी सारे डिवाइस में जब कंट्रोल सेंटर में जो ब्लर इफेक्ट देखने के लिए मिलता था, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने के लिए मिले, यहाँ पर बैटरी ड्रेन होने लगी जिसकी वजह से, और यहाँ पर लैग वगैरह देखने के मिला, तो यहाँ पर जो ब्लर इफेक्ट था उसको गायब कर दिया आने वाले अपडेट के साथ, जिसकी वजह से उसको ग्रे में कर दिया गया था। बट यहाँ पर अब कंट्रोल सेंटर पर ये लोग फिर से काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग अलग तरीके से डेवलपमेंट कर रहे ताकि पर आने वाले समय में यहाँ पर ब्लर वगैरह इफेक्ट ये लोग फिर से दे सके और यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सके जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से इसको रिमूव ना करना पड़े और यहाँ पर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले आने वाले समय में कंट्रोल सेंटर के अंदर, जो कि गाइज यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर काफ़ी सारे डिवाइस होंगे, रेडमी 8 सीरीज हो गया, रेडमी 9 सीरीज हो गया, यहाँ पर गाइज मी वाई 12.0 अपडेट में भी ब्लर इफेक्ट नहीं मिलता है, जो कि ग्रे कलर मिलता है, रेडमी नोट 8 में भी मिलता है, तो यहाँ पर ये काफ़ी यूजर को पसंद नहीं आ रहा है। बट गाइज आने वाले समय में आपके डिवाइस में कंट्रोल सेंटर में न्यू चेंजेस देखने के लिए मिल सकते, हो सकता है यहाँ पर ब्लर इफेक्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर शाओमी इसके ऊपर काम कर रहा है, फिर से कंट्रोल सेंटर पर फिर से तैयारी कर रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन के साथ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सुपर वॉलपेपर में भी काफ़ी सारे लैग्स देखने के लिए मिलते थे, तो उस पर भी ये लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में फ्यूचर में सभी डिवाइसों में ये प्रॉपरली तरीके से वर्क करे, कोई भी इशू देखने के लिए ना मिले। वैसे अगर ये फीचर की बात करूँ तो मी वाई 12.5 के अंदर ये फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है। देखना ये है कौन से डिवाइसों में ये लोग इसको प्रोवाइड कराएंगे। वैसे गाइस यहाँ पर मी वाई 12.5 अपडेट के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को पता होगा शाओमी ने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस इसका कमाल का होने वाला है। अब यहाँ पर ये तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा क्या इसमें और न्यू बग्स मिलते हैं और लैग्स मिलते हैं या फिर एकदम क्लीन यूआई मिलता है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस देखने के लिए मिलती है या फिर नहीं, वो अपडेट के बाद पता चलेगा। अब देखते हैं MIUI 12.5 इंडिया में कब रोल आउट होगा, जैसे रिलीज होगा कौन से फीचर्स निकल के आते हैं उसके बारे में तो पता चली जाएगा, तो मैं आपको जरूर उसके बारे में इन्फॉर्म करते रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लेना। इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो में, बाय।